अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है हमारा नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट वो है एनाटॉमी। आज हम जो है एनाटॉमी सब्जेक्ट के तमाम मरूजियाँ देखेंगे। एनाटॉमी के अंदर कौन कौन सी मरूजियाँ बनती हैं उनको आज हम देखेंगे। तो पहली मरूजी है, विच रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम कंटेन फाइव वर्टिब्रा। वो कौन सा रीजन है वर्टिब्रल कलम का जो पांच वर्टिब्रा पर मुश्तमिल होता है? वो है लुम्बर रीजन। और कोकेक्स रीजन के अंदर चार वर्टिब्रा होते हैं। सर्विकल रीजन के अंदर सात वर्टिब्रा होते हैं और थोरेसिक रीजन पर 12 वर्टिब्रा होते हैं। इसका सही जवाब जो है वो है लुम्बर रीजन। एमसीक्यू नंबर दो है, नॉट पार्ट ऑफ स्टमक, स्टमक का पार्ट नहीं है। इनमें से नीचे वाले दिए गए जो जुज़े हैं उनमें से जो है स्टमक का हिस्सा नहीं है। बॉडी भी स्टमक का हिस्सा है, फंडस भी स्टमक का हिस्सा है, पाइलोरस भी स्टमक का हिस्सा है। इसका सही जवाब है डी, नन ऑफ दीज। और एमसीक्यू नंबर है तीन, अमाइनो एसिड आर अब्जॉर्ब्ड इन। अमाइनो एसिड कहाँ पर अब्जॉर्ब होते हैं? स्टमक में, कोलन के अंदर। कोलन जो है पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। रेक्टम के अंदर जो है अब्जॉर्ब होते हैं या ड्यूडिनम के अंदर? इसका सही जवाब है ड्यूडिनम। अमाइनो एसिड अब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडिनम के अंदर भी और जिजुनम के अंदर भी। और एमसीक्यू नंबर है चार, फ्लूइड इज प्रेजेंट इन डैश टू लुब्रिकेट द हार्ट सो इट कैन मूव फ्रीली। फ्लूइड जो पाया जाता है कौन सी लेयर के अंदर, हार्ट की कौन सी लेयर के अंदर पाया जाता है जो हार्ट को लुब्रिकेट करता है ताकि वो जो है आसानी से मूव कर सके? तो हार्ट की वो लेयर है पेरिकार्डियम। सही जवाब इसका है सी। एमसीक्यू नंबर है पाँच, वेट ऑफ द यूट्रस इज अबाउट। फीमेल के अंदर यूट्रस होता है और यूट्रस का वेट कितना है? वो है 30 से 40 ग्राम। इसका सही जवाब है बी। और जो है एमसीक्यूज नंबर है छः, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग अकर्स इन। एग की फर्टिलाइजेशन कहाँ पर अक्कर होती है, पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है यूट्रेन ट्यूब आर या फ्लोपियन ट्यूब के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन होती है एग की, और जो है विजेना इसके अंदर नहीं होती, यूट्रस के अंदर भी नहीं होती। यूट्रिन ट्यूब के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन ऑफ एग होती है। और जो एमसीक्यू नंबर है सात, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? वो है नेफ्रॉन। एमसीक्यू नंबर है आठ, किडनी आर बीन शेप्ड एंड लोकेटेड इन डैश रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा। किडनी जो है बीन शेप है और किस रीजन में पाई जाती है? वो है रीजन लुम्बर रीजन। किडनी जो है लुम्बर रीजन के अंदर पाई जाती है। एमसीक्यू नंबर है नौ, डैश स्टडीज दैट हाउ बॉडी पार्ट्स वर्क टू सपोर्ट लाइफ। कि कैसे बॉडी के पार्ट्स जो हैं काम करते हैं ज़िंदगी को सपोर्ट करने के लिए। वो उसके अंदर हम कौन कौन सी जो है साइंस की ब्रांचेस पढ़ते हैं? वो है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, ऑल ऑफ दीज। उनमें साइंस की ये तमाम की तमाम शाखें जो हैं बॉडी के पार्ट्स के अंदर जो काम हो रहे होते हैं या उनका स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन होता है, वो तमाम के तमाम जो है ज़िंदगी को सपोर्ट करती हैं ये तीनों की तीनों ब्रांचेस साइंस के। यानी कि इसका सही जवाब है डी, ऑल ऑफ दीज। एमसीक्यू नंबर है 10, ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिजीज बॉडी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। वो है अप्लाइड एनाटॉमी भी और पैथोलॉजिकल एनाटॉमी भी। इसका सही जवाब है ए एंड डी। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी के अंदर भी ये स्टडी कर सकते हैं डिजीज़ की, और जो है अप्लाइड एनाटॉमी के अंदर भी। इसका सही जवाब जो है ए एंड डी है।
यानी कि एम स्क्यूज़ इसको इस तरह बनाएंगे, तो इस ई जो है इसकी बनाएंगे उसके अंदर लिखेंगे बोथ ए एंड डी। तो इसका सही जवाब है अप्लाइड एनाटॉमी और पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। एम सी क्वेश्चन नंबर है 11। ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ लेंस। इसका सही जवाब है बी एंड सी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी और ग्रास एनाटॉमी। इसका बी और सी जो है जवाब ठीक है। एम सी क्वेश्चन नंबर है 12। पार्ट ऑफ बॉडी एम सी क्वेश्चन नंबर है 12। पार्ट ऑफ बॉडी प्रेजेंट अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन, मीडियल लाइन से दूर जो है बॉडी का वो हिस्सा जो मीडियल लाइन से दूर पाया जाता हो वो है लेटरल। इसका सही जवाब है लेटरल। लेटरल एक टर्मिनोलॉजी है बॉडी की, बॉडी पार्ट्स की। और जो है एम सी क्वेश्चन नंबर है 13। हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन बोथ लोअर लिम्ब्स। दोनों लोअर लिम्ब के अंदर जो है कितनी जो है पाई जाती हैं हड्डियाँ। तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है एम सी क्यू 13 का, जो लोअर लिम्ब के अंदर बोथ लोअर लिम्ब के अंदर जो है 60 बोन्स पाई जाती हैं, और एक जो है लोअर लिम्ब के एक हिस्से के अंदर जो है 30 एम सी क्यू 30 जो बोन्स पाई जाती हैं। एम सी क्यूज नंबर है 14। ह्यूमरस इज ए प्रेजेंट इन, ह्यूमरस कहाँ पर पाया जाता है, लेग के अंदर, आर्म के अंदर, थाई के अंदर, फोर आर्म के अंदर। ह्यूमरस जो है फोर आर्म के अंदर पाया जाता है। ये स्टार्ट होता है फ्रॉम स्कैपुला टू एल्बो जॉइंट्स तक। इसके अंदर जो है एक लॉन्ग बोन पाई जाती है जिसको हम ह्यूमरस कहते हैं, फोर आर्म के अंदर पाई जाती है। एम सी क्यूज नंबर है 14, उसकी सही जूज है सी, फोर आर्म। एम सी क्यूज नंबर है 15। विच बोन इज़ नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन स्कल, वो कौन सी बोन है जो ह्यूमन स्कल के अंदर नहीं पाई जाती, फ्रंटल, स्फीनॉइड और टेम्पोरल। ये तीनों बोनें जो है ह्यूमन स्कल के अंदर पाए जाते हैं, जबकि स्कैपुला जो है ये ह्यूमन स्कल के अंदर नहीं पाई जाती। इसका सही जवाब है ए। एम सी क्यूज नंबर है 16। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम, खुराक जो है कहाँ से स्टार्ट होती है डाइजेस्ट होना, तो वो है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी जो है वहाँ से खुराक जो है डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती है। एम सी क्यू नंबर है 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फेरिंग्स, जो फेरिंग्स का पार्ट नहीं है, नीचे वाले दिए गए जो जुजे हैं उनमें से फेरिंग्स का पार्ट नहीं है, वो कौन सा नहीं है, वो है सी जो हाइपोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, बोथ ए एंड बी। ये तीनों की तीनों जो है पार्ट हैं फेरिंग्स की, जबकि हाइपोफेरिंग्स जो है ये फेरिंग्स का पार्ट नहीं है। एम सी क्यूज नंबर है 18। लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर, बीइंग 1 डैश ऑफ द होल एक्सटेंट ऑफ द इंटेस्टिनल कैनाल। तो इसका सही जवाब है फिफ्थ जो है वर्टिब्रा, या फिफ्थ ऑफ द होल एक्सटेंट ऑफ द इंटेस्टिनल कैनाल जो है। इसका सही जवाब है सी, फिफ्थ। एम सी क्यू नंबर है 19। विलई आर प्रेजेंट इन डैश फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। विलस जो है कहाँ पर पाई जाती है, जो कि इस्तेमाल होती है डाइजेस्टेड फूड को की अब्जॉर्प्शन में। विलस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जिजुनम, ये वहाँ पर पाई जाती है, रेक्टम, कोलन, ऑल ऑफ दीज। इसका सही जवाब है बी, जिजुनम। एम सी क्वेश्चन नंबर है 20। यूरिन इज प्रोड्यूस बाई किडनी एंड स्टोर्ड इन, यूरिन जो किडनी की तरफ से प्रोड्यूस होता है, और यूरिन कहाँ पर स्टोर होता है, ये गॉल ब्लेडर के अंदर जो है स्टोर किया जाता है। इसका एम सी क्यूज नंबर 20 का सही जवाब जो है ए जो है ब्लेडर, जबकि यूरिथ्रा यूरिटर जो है ये ट्रांसपोर्ट करते हैं यूरिन के। एम सी क्यूज नंबर है 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, वो है
कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स लूप ऑफ हैनले ग्लोमेरुलस, ये तीनों के तीनों जो है पार्ट है नेफ्रॉन के, जबकि पेल्विस जो है नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। एमसीक्यू नंबर आए 22, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो है पाई जाती है कॉर्टेक्स के अंदर, मिडोला के अंदर, पैरामिड्स के अंदर, पैरामिड्स के अंदर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। एमसीक्यूज नंबर है 23, डैश आर द डिफ्यूज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स विच कनेक्ट आर्ट्रियोल्स विद वेन्यूल्स। वो कौन सी जो है ब्लड वेजल्स हैं, डिफ्यूज नेटवर्क ब्लड वेजल्स हैं जो कि कनेक्ट करती हैं आर्ट्रियोल्स को वेन्यूल से, वो हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द डिफ्यूज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स विच कनेक्ट आर्ट्रियोल्स विद वेन्यूल्स। इसका सही जवाब है ए। एमसीक्यूज नंबर है 24, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कंटेन वाल्व। लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है कौन से वाल्व पर मुश्तमिल होते हैं, वो है बाइकस्पिड वाल्व। एमसीक्यूज नंबर है 25, हार्ट लाइज इनसाइड द थोरैक्स, थोरैक्स के अंदर, थोरैक्स रीजन के अंदर जो है हार्ट पाया जाता है, बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे, और बिटवीन टू लंग्स, दो लंग्स के दरमियान पाया जाता है। एंड इनक्लाइंस मोर, किस तरफ झुकता है, वो है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड की तरफ जो है हार्ट ज़्यादा पाया जाता है, लेफ्ट साइड पर, जिस्म के लेफ्ट साइड पर जो है हार्ट पाया जाता है लेफ्ट साइड में। एमसीक्यू नंबर है 26, स्पर्म आर स्टोर्ड इन, स्पर्म कहाँ पर स्टोर्ड होते हैं, सेमिनल वेजिकल, स्क्रोटम, एपिडिडमस, नन ऑफ दिस। स्पर्म जो है स्टोर्ड होते हैं एपिडिडमस के अंदर। एमसीक्यू नंबर है 27, टेस्टीज आर मेन सोर्स ऑफ, टेस्टीज जो है सोर्स हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के। एमसीक्यूज नंबर है 28, विच इज़ कॉल्ड बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल हम किसे कहते हैं, वो है वजाइना। एमसीक्यूज नंबर है 29, इनर जोन ऑफ किडनी, किडनी का इनर जोन क्या है, मिडोला है, और आउटर जोन ऑफ किडनी क्या है, कॉर्टेक्स है। एमसीक्यूज नंबर है 30, एसोफेगस इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ, एसोफेगस जो है नीचे दिए गए जो ऑर्गन है उनसे आगे पाया जाता है, वो है वर्टिब्रल कॉलम, एसोफेगस जो है वर्टिब्रल कॉलम से आगे पाया जाता है। एमसीक्यू नंबर है 31, वोकल कॉर्ड्स लाइज इनसाइड, वोकल कॉर्ड्स कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं लेरिंग्स के अंदर। एमसीक्यू नंबर है 32, मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट इन विच एंकल, डिस्टेंस एंकल आर या डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड लेग, लेग इंक्रीज हो जाए, फुट और लेग के दरमियान जो है डिस्टेंस या एंकल बढ़ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, प्लैंटर फ्लेक्शन। ये प्लांटर फ्लेक्शन जो है ये एक टर्मिनोलॉजी है। एमसीक्यूज नंबर है 33, मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन, सोल ऑफ फुट जो है उसकी मूवमेंट जो है मीडियल लाइन से दूर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इवर्जन कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर है 34, मूवमेंट ऑफ लैम्ब टूवर्ड्स द मीडियल लाइन, लैम्ब की मूवमेंट हो मीडियल लाइन की तरफ तो उसको वो टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल होती है उसके लिए वो है एडक्शन। एमसीक्यू नंबर है 35, पार्ट ऑफ बॉडी प्रेजेंट टूवर्ड्स द अपर साइड, वो कौन सा हिस्सा है बॉडी का जो अपर साइड पर पाया जाता है, वो है सुपीरियर, उसके लिए हम जो है टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं सुपीरियर।